दोस्तों, अगर आप भी सूर्या को T20 का नंबर वन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे T20 में भारत के युवा सितारों ने जीत का झंडा गाड़ कर न केवल अफ्रीका के घमंड को चकनाचूर किया बल्कि दो एक से इस T20 सीरीज को भी अपने नाम कर इतिहास रच दिया। तो आखिर कैसे आखिरी T20 में अफ्रीका को टीम इंडिया ने चटाई धूल, कैसे टीम इंडिया पहली बार अफ्रीका में T20 सीरीज जीतने वाली पहली टीम बनी, सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्या, रिंकू और यशस्वी जायसवाल में कौन T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के सफर पर बढ़ चली टीम इंडिया के सामने पहली ही चुनौती अफ्रीका से थी। 3 मैचों की T20 सीरीज में रोमांच की सभी हदें पार होना था और ऐसा ही हुआ। जहां दूसरे T20 मुकाबले में तो अफ्रीका ने हमें हरा दिया, उन्होंने हमारे भविष्य को धूमिल कर दिया था, लेकिन तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने बता दिया कि आखिर क्यों भारत को चैलेंज का खदान माना जाता है। जोहानिसबर्ग के मैदान पर अफ्रीका ने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता तो दिया था। शुरू में तो ये फैसला हम पर बहुत भारी पड़ा, हमारे दो खिलाड़ी गिल और तिलक वर्मा बहुत जल्दी पवेलियन लौट गए, लेकिन फिर आया कप्तान सूर्या का तूफान। T20 के इस नंबर वन बल्लेबाज ने तो आज इतिहास रचने की ठान ली थी। यशस्वी के साथ मिलकर उन्होंने 100 रनों से भी अधिक के पार्टनरशिप को अंजाम दिया, भारतीय टीम की वापसी का शंखनाद किया। हालांकि यशस्वी 41 गेंदों पर 60 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सूर्या को रोक पाना अफ्रीका के बस की बात नहीं हो पाई। 56 गेंदों पर ही कप्तान सूर्या ने 100 रनों की एक ऐसी विध्वंसक पारी खेली जिसने उन्होंने 8 खौफनाक छक्के और 7 खतरनाक चौके ठोके। उसके दम पर ही टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 201 रन बनाए थे। हालांकि अफ्रीका में भी दमखम था, इसे हासिल कर लेते, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी आज कुछ नया करने के इरादे से आए थे और फिर मुकेश कुमार के साथ मिलकर मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा की फिरकी के आगे अफ्रीकी बल्लेबाज तो नाक रगड़ रहे थे। और देखते ही देखते अफ्रीका की पूरी टीम को टीम इंडिया ने तहस नहस करते हुए इस तीसरे T20 मुकाबले को अपने नाम कर लिया और इसी के साथ टीम इंडिया ने 1-1 से सीरीज को बराबरी पर समाप्त किया है। लेकिन यदि कहा जाए कि टीम इंडिया चैंपियन बनी है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस अंदाज में टीम इंडिया ने आज खेल दिखाया है वैसा ही कुछ पिछले मुकाबले में भी दिखाया था। वो तो अंत में टीम इंडिया थोड़ा सा पिछड़ गई और वही पहला T20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन भारतीय टीम का पलड़ा उस मुकाबले में भी भारी था। यानी कि अफ्रीका का घमंड कहीं ना कहीं जरूर टूटा है और टीम इंडिया मजबूत इरादों के साथ एक बार फिर भविष्य को संभालने के लिए बढ़ चुकी है। दोस्तों, पहले T20 मुकाबला साउथ अफ्रीका से बारिश की वजह से खुल जाने के बाद दूसरी T20 मुकाबले में टीम इंडिया को मिली करारी हार, जिसका बदला लेने के लिए भारतीय धुरंधर तीसरा T20 मुकाबला खेलने जोहानिसबर्ग के मैदान पर उतरे और इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। टीम इंडिया को सीरीज में बराबरी करना है तो यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी होगा। दोनों टीमों के लिए मुकाबला जीतना बेहद अहम है। दोनों ओपनरों के सामने गेंद लेने आए थे नांदे बर्गर। शुभमन गिल बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर उनकी चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं और 6वीं गेंद पर शानदार स्ट्रेट डाइव लगाकर चौका बटोर लिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर यशस्वी जायसवाल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकना है। कप्तान एडम मार्कम की पहली गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका बटोरा और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। गिल और जायसवाल दोनों बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मार्करम की 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़ा और फिर अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन छक्का जड़कर टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही दोनों ओपनरों ने 23 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय दोनों अपना शानदार बल्लेबाजी के नजारे दिखा रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए केशव महाराज ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर गिल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया और 29 रनों के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने तिलक वर्मा आए, उनको भी केशव महाराज ने अगली गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी और इसी के साथ केशव महाराज हैट्रिक विकेट पर आ गए। लेकिन यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव आ गए और इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। अफ्रीकी गेंदबाज शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय टीम का 3 ओवरों में 30 रनों के स्कोर पर 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। भारतीय खेमा पूरी तरह से निराश हो चुका था, लेकिन यशस्वी जायसवाल शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर विलियमसन को जायसवाल ने शानदार शॉट लगाकर छक्का जड़ दिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज संभालकर बल्लेबाजी कर रहे थे मैदान पर और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि 2 बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट गए। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर सूर्य कुमार यादव भी शानदार फॉर्म में आ गए। विलियमसन की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपने अंदाज में छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और 4 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर अफ्रीका टीम भी हैरान हो गई। दोनों खिलाड़ी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। 4.2 ओवर में ही भारत के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया और सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। केशव महाराज की तीसरी गेंद पर ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर खुद केशव महाराज हैरान रह गए। भारत के स्कोर को 5 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 56 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम मोबाइल फेंकने के लिए टीम की तरफ से बर्गर की पहली गेंद पर जायसवाल ने शानदार स्ट्राइक ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम को पावर प्ले से 6 ओवर में 2 विकेट नुकसान पर 62 रनों तक पहुंचा दिया।
भारतीय टीम के स्कोर कोई दो बल्लेबाज तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। विकेट की तलाश में अफ्रीकी कप्तान गेंद शमसी के हाथों में थमाए, लेकिन पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका जड़ दिया। जायसवाल बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और दोनों बल्लेबाज अर्धशतक की साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वहीं उनके साथ सूर्य कुमार यादव भी भरपूर निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे और भारत के स्कोर को 74 रनों तक पहुंचा दिया। जायसवाल चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। यशस्वी जायसवाल मैदान पर 23 गेंद खेलकर 39 रन बनाकर टिके हुए थे। यही यह तस्वीर, जायसवाल 19 गेंद खेलकर 21 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे। दोनों बल्लेबाज शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और देखकर यही लग रहा था कि दोनों खिलाड़ी अफ्रीका के सामने 20 ओवर में 180 से 200 रनों का लक्ष्य बड़ी आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि दोनों बल्लेबाज शानदार तरीके से बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। विकेट गिरने का नाम नहीं ले रहे थे और संभल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, सचिन जायसवाल और सूर्य कुमार यादव में कौन है T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे में तीसरा और अंतिम T20 मैच जोहानिसबर्ग के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की, जहां पर भारतीय टीम के 29 रन पर 2 विकेट जल्दी से गिर गए। लेकिन इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचाया। इस दौरान कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दुनिया का सबसे लंबा छक्का जड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए विलियमसन के सामने कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कलाइयों का उपयोग करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लंबा छक्का लगाया और दुनिया का सबसे लंबा छक्का लगाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया। इस दौरान कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए विलियम के 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई गेंद को दर्शक दीर्घ में पहुंचा दिया और इस छक्के की लंबाई 95 मीटर की थी। नहीं, इसके बाद भी सूर्य कुमार यादव रुके नहीं और उन्होंने पावर प्ले के 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए केशव महाराज के सामने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए डाउन द ट्रैक जाते हुए कलाइयों का उपयोग करके हुए एक बार फिर से अपना 360 वाला रूप दिखाया और लंबा छक्का लगा दिया। ये छक्का 80 मीटर का रहा। हालांकि दोनों छक्के सबसे लंबे नहीं थे, लेकिन इस मैदान पर किसी भी भारतीय बल्लेबाज के द्वारा लगाए गए यह सबसे लंबे छक्के थे। साथ ही दोस्तों, सूर्या ने तीसरा छक्का ठोकते ही तोड़ दिया कोहली का रिकॉर्ड। अब वो 118 छक्कों के साथ T20 में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वालों में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तो दोस्तों, इस मैच में सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे में तीसरा T20 मैच जोहान्सबर्ग के मैदान पर खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। तो आइए तीसरे T20 मैच के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोनों टीम के हेड टू हेड आंकड़ों की बात की जाए तो दोनों टीम के बीच अब तक 26 T20 मैच खेले गए थे, जिसमें भारतीय टीम ने 13 मैच तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने 11 मैच में जीत दर्ज की है। इसके अलावा दोनों टीम के बीच साउथ अफ्रीका की धरती पर 9 मैच खेले गए हैं, जहां पर भारत ने 5 मैच में जीत हासिल की है। इसके अलावा 3 मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने शानदार जीत हासिल की है। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच जोहान्सबर्ग शहर के वानरोर क्रिकेट स्टेडियम पर होने वाला है, जहां अब तक 32 मैच खेले गए हैं। इस दौरान पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 15 और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 17 मैच जीते हैं, जहां इस मैदान का औसत स्कोर 173 रन का है। इसके अलावा इस मैदान पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैच T20 मैच खेले गए हैं, जहां पर भारतीय टीम ने 2 T20 मैच अपने नाम किए हैं। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम को एक T20 मैच खेलने का मौका मिला है। तो वहीं इस मैदान की पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो वंडर्स स्टेडियम की पिच पर टॉस जीतने वाली टीम गेंदबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि शुरुआत ओवरों में तेज गेंदबाजों की गेंद काफी स्विंग होती है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है तो बल्लेबाज को भी धीरे धीरे मदद मिलती है। हालांकि स्पिन गेंदबाजों के लिए भी यहां पर थोड़ी बहुत मदद है। ऐसे में यहां पर काफी ज्यादा फायदा दोनों टीमों को मिल सकता है और दोनों के बीच एक संघर्षपूर्ण मैच भी देखने को मिलने की उम्मीद है। तो वहीं मुकाबला वाले दिन मौसम की बात करें तो मैच के दौरान मैदान का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जहां पर बारिश से बिल्कुल भी असर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में धूप खिलती हुई दिखाई देगी और बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों के बीच एक संघर्षपूर्ण मैच देखने को मिलने वाला है। ऐसे में दर्शकों को यह मैच पूरी तरीके से देखने को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो विरोधी साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से रिजा हेंड्रिक्स और मैथ्यू ब्रैडसी पारी की शुरुआत करेंगे, जिन्होंने टीम के लिए बेहतर शुरुआत की थी। तो वहीं मध्यक्रम में कप्तान एडन मार्करम, हेनरी क्लासेन और डेविड मिलर खेलते हुए दिखाई देंगे, जो अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारत को परेशान करते दिखाई दे सकते हैं। तो वहीं ऑलराउंडर के रूप में ट्रिस्टन स्टब्स, एंड्रयू फिलिक्वायो और मार्को जॉनसन खेलने का मौका उन्हें मिलेगा, जो गेंद और बल्ले के साथ भारत के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो वहीं गेंदबाज के तौर पर तबरेज शमसी, गेराल्ड गोएटजी और विलियमसन को खेलने का मौका मिलेगा, जो अपनी शानदार गेंदबाजी से भारत को परेशान करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी खेलती दिखाई देने वाली है, जो टीम को मजबूत शुरुआत दे सकते हैं। तो वहीं मध्यक्रम में कप्तान सूर्य कुमार यादव, विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन के साथ रिंकू सिंह को खेलने का मौका मिलेगा, जो टीम की स्थिति के अनुसार टीम को जीत दिलाने का कार्य करेंगे। इसके अलावा ऑलराउंडर के रूप में तिलक वर्मा और रविंद्र जडेजा को खेलने का मौका मिलेगा, जो अपनी गेंदबाजी से और बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित कर सकते हैं। तो वहीं स्पिन गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को शामिल किया है। इसके अलावा तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार को शामिल किया गया है, जो अपनी शानदार गेंदबाजी से विरोधी टीम को हराने के लिए उतरेंगे। ऐसे में अब इन 11 खिलाड़ियों के साथ भारत साउथ अफ्रीका को हराने उतरेगा।
दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैच की टी20 सीरीज का तीसरा टी20 मैच 14 दिसंबर को जोहान्सबर्ग शहर के वांडरर स्टेडियम में खेला जाने वाला है।